नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली की तेज रफ्तार एवं भाग दौड़ भरी जिंदगी में सेहत का विषय बहुत पीछे रह गया और नतीजा यह निकलता है कि आज हम युवावस्था में ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, गठिया, थायराइड और ऐसे कई बीमारियों से पीड़ित होने लगे हैं जो कि पहले अधेड़ उम्र या कहें कि वृद्धावस्था में होते थे, या हम कह सकते हैं कि जब इंसान 40 की उम्र में पहुंचता था। लेकिन आज के समय में छोटे बच्चे भी कई खतरनाक रोगों का शिकार हो जाते हैं। देखा जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह है खान पान और हमारे रहन सहन की गलत आदतें। अगर हम अपने खान पान में सुधार कर लें तो हम खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए, हम सेहत के इन नियमों का पालन करके खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं, साथ ही अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं और साथ ही अन्य लोगों को भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम जागरूक भी कर सकते हैं, ताकि एक स्वस्थ एवं मजबूत समाज और देश का निर्माण हो सके। क्योंकि कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया। भोजन हो संतुलित। घी तेल से बनी चीजें जैसे पूड़े, पराठे, छोले भटूरे, समोसे, कचौड़ी, जंक फूड, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन सेहत के लिए घातक है। इनका अधिक मात्रा में नियमित सेवन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, मोटापा एवं हार्ट डिजीज का कारण बनता है, तथा पेट में गैस, अल्सर, एसिडिटी, बार बार दस्त का लगना, लीवर खराब होना जैसी तकलीफें होने लगती है। इनकी बजाय खाने में हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, दही, छाछ, अंकुरित अनाज और सलाद को शामिल करना चाहिए, जो कि विटामिन, खनिज लवण, फाइबर एवं जीवनी तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। चीनी एवं नमक का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग का कारण बनता है। बादाम, किशमिश, अंजीर, अखरोट आदि कई प्रकार के मेवे से सेहत स्वस्थ रहता है। साथ ही अपने दिनचर्या में कई हरी सब्जियां भी शामिल करना चाहिए, जो सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इनका सेवन करने से खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। पानी एवं अन्य लिक्विड जैसे फलों का ताजा जूस, दही, दूध, छाछ, नींबू, नारियल का पानी सेवन करना चाहिए। इनमें शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती और शरीर की त्वचा एवं चेहरे की चमक आती है, तथा शरीर की गंदगी पसीने और पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है। व्यायाम का करें नियमित अभ्यास। सूर्योदय से पहले उठकर पार्क जाएं, हरी घास पर नंगे पैर घूमें, दौड़ लगाएं, वॉक करें, योगा प्राणायाम करें। इन उपायों से शरीर से पसीना निकलता है, मांसपेशियों को ताकत मिलती है, शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, अनेक शारीरिक एवं मानसिक रोगों से बचाव होता है, पूरे दिन भर बदन में चुस्ती फुर्ती रहती है और भूख अच्छी लगती है। इसीलिए नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करना चाहिए। गहरी नींद भी है जरूरी। शरीर एवं मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन लगभग 7 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। लगातार नींद पूरी न होना तथा बार बार नींद खुलना अनेक बीमारियों का कारण बनता है। अच्छी नींद के लिए ये उपाय करें। सोने का कमरा साफ सुथरा, शांत एवं एकांत में होना चाहिए। रात को अधिकतम 10 से 11 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 5 से 6 बजे तक उठ जाना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। सोने से पहले श्वसन करने से अच्छी नींद आती है। खाना सोने से 2 से 3 घंटे पहले कर लेना चाहिए एवं शाम को खाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट अवश्य घूमना चाहिए, जो सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। टेंशन को करे बाय बाय। रोजमर्रा के जिंदगी में आने वाली समस्याओं के लिए चिंतन करना सही है, चिंता करना नहीं। कहा जाता है कि चिंता चिता के समान होती है। चिता मरने के बाद शरीर को जलाती है, किंतु लगातार अनावश्यक चिंता जीते जी शरीर को जला देती है। इसीलिए तनाव होने पर भाई, बंधु एवं विश्वास पात्र मित्रों से सलाह एवं मशवरा जरूर करें। समस्या फिर भी ना सुलझे तो विशेषज्ञों की राय लें। नशे से रहे बचके। युवा पीढ़ी के लिए सबसे खतरनाक बीमारी है तो वो है नशे की जाल में फंसना। शराब, धूम्रपान, तंबाकू से सेहत के दुश्मन माने जाते हैं। किसी भी स्थिति में नशे की लत से बचें। यदि नशे से बचे हुए हैं तो अच्छा, किंतु यदि नशे से बचे हुए हैं तो बहुत अच्छा है, किंतु यदि आप कोई नशा करते हैं, जितनी जल्दी नशे से दूरी बना लें उतना ही अच्छा होगा।
ये ऐसी बीमारी है जो कैंसर और एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है और एक साथ कई परिवारों को बर्बाद करती है तथा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के नाश का कारण बनती है। इसीलिए नशे से बचना ही बेहतर उपाय है। स्वास्थ्य के ऊपर बताए गए नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि कहा गया है कि हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, हमें स्वास्थ्य के बारे में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक स्वस्थ की बात करें तो अपने आप को स्वस्थ कहने का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो। वैसे तो अपने आप को स्वस्थ रखने के ढेर सारी आधुनिक तकनीकें भी मौजूद हैं, लेकिन ये सारी उतनी अधिक कारगर नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ सिर्फ रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली की स्थिति है। स्वस्थ लोग रोजमर्रा की गतिविधियों से निपटने के लिए और किसी भी परिवेश के मुताबिक अपना अनुकूल करने में सक्षम होते हैं। यदि हम एक विभिन्न या अभिन्न व्यक्तित्व की इच्छा रखते हैं तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि स्वास्थ्य के आयाम अलग अलग टुकड़ों की तरह हैं। इसीलिए हम अपने जीवन को कोई अर्थ प्रदान करना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य के इन विभिन्न आयामों को एक साथ फिट रखना पड़ेगा। वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना समग्र स्वास्थ्य का नाम है, जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और बौद्धिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी शामिल है, साथ ही इसमें सामाजिक स्वास्थ्य भी शामिल है। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें इसकी संरचना, विकास, कार्यप्रणाली, रखरखाव भी शामिल होता है। यह एक व्यक्ति का सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य स्थिति है। अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के कुछ तरीके हैं, जिनके द्वारा हम अच्छे स्वास्थ्य को बना सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ हमारे भावात्मक और आध्यात्मिक लचीलेपन से है, जो हमें अपने जीवन में दर्द, निराशा और उदासी की स्थितियों में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। मानसिक स्वास्थ्य हमारी भावनाओं को व्यस्त करने और जीवन की अनेक मांगों के प्रति अनुकूल की क्षमता है, जिसे अच्छा बनाए रखने में निम्नलिखित कुछ तरीके हैं। प्रसन्नता, शांति व व्यवहार में प्रफुल्लता, आत्मसंतुष्टि, भीतर ही भीतर कोई भावात्मक संघर्ष ना हो, मन की संतुलित अवस्था हो। बौद्धिक स्वास्थ्य। बौद्धिक स्वास्थ्य किसी के जीवन को बढ़ाने के लिए कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए संज्ञात्मक क्षमता है। हमारी बौद्धिक क्षमता हमारी रचनात्मक को प्रोत्साहित और हमारे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। समायोजन करने वाली बुद्धि आलोचना को स्वीकार कर सके व आसानी से व्यथित न हो। दूसरों की भावात्मक आवश्यकताओं की समझ होनी चाहिए। सभी प्रकार के व्यवहारों को समझना और झेलना व दूसरों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, नए विचारों के लिए खुलापन, उच्च भावात्मक बुद्धि होना। आत्म संयम, भय, क्रोध, मोह, जलन, चिंता के वश में ना हो, लोभ के वश में ना हो तथा समस्याओं का सामना करना व उनका समाधान तलाशने में निपुण होना। आध्यात्मिक स्वास्थ्य। हमारा अच्छा स्वास्थ्य आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हुए बिना अधूरा माना जाता है। जीवन के अर्थ और उद्देश्य की तलाश करना हमें आध्यात्मिक बनाता है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारे निजी मान्यताओं और मूल्यों को दर्शाता है। देखा जाए तो अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का कोई निर्धारित तरीका नहीं है। यह हमारे अस्तित्व की समझ के बारे में अपने अंदर गहराई से देखने का एक तरीका होता है, जिसको आध्यात्मिक स्वास्थ्य के द्वारा जीवन के उद्देश्यों को समझा जा सकता है। सही ढंग से ज्ञान की प्राप्ति तथा स्वयं को एक आत्मा के रूप में जानने का निरंतर बोध, स्वयं को जानने व अनुभव करने वाली आत्मा सदैव शांत व पवित्र होगी। सामाजिक स्वास्थ्य। हम समाज में रहने वाले प्राणी हैं, सामाजिक जीव हैं, जिसके लिए हमें बेहतरीन रिश्ते का निर्माण करना, साथ ही उसे बनाए रखना हमें स्वाभाविक रूप से आता है। सामाजिक रूप से सबके द्वारा स्वीकार किया जाना हमारे भावात्मक यानी कि सेंटिमेंटल खुशहाली के लिए बहुत अच्छा या जुड़ा होता है, जिसके लिए हमें इन बातों का जानना बहुत जरूरी है।
ऐसे मित्र बनाए जो संतोष पद हो, साथ ही लंबे समय तक चलने वाले हो। परिवार व समाज से जुड़े संबंधों को हार्दिक व खुशहाली पूर्ण बनाए रखना। अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। अधिकांश लोग या कहें कि मुख्यतः हम लोग अच्छे स्वास्थ्य के महत्व को नहीं समझते, और अगर समझते भी हैं तो बहुत कम समझते हैं। हम जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारा ध्यान शारीरिक स्वास्थ्य तक ही सीमित रह जाता है। हम बाकी आयामों के बारे में नहीं सोचते। अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता हम सबको है, यह किसी एक विशेष धर्म, जाति, संप्रदाय या लिंग तक सीमित नहीं है। अतः हमें इस आवश्यक वस्तु के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। अधिकांश रोगों की मूल हमारे मन में होता है। एक व्यक्ति को स्वस्थ तब तक कहा जाता है जब उसका शरीर स्वस्थ और मन साफ और शांत हो। कुछ लोगों के पास शारीरिक और भौतिक साधनों की कमी नहीं होती, उसके बाद भी वो दुखी रहते हैं। तो दोस्तों, अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हम उत्तम स्वास्थ्य के बारे में, सारी चीजों के बारे में बताएंगे और आप अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बना पाएंगे। कोई भी साधारण या खतरनाक रोगों से आपका नाता कभी नहीं जुड़ पाएगा, बल्कि खुशियों और प्रसन्नता से आपका जीवन भर जाएगा। अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।